तो 10 अगस्त के इस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आप भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी इज टू रोल आउट द फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम फॉर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम किस कंपनी को शुरू करना है? तो करना है ऑप्शन बी टाटा ग्रुप को, ऑप्शन बी टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप इस प्रोजेक्ट में 5 साल में करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम इस ट्रेन के लिए बनाएगी, और उसी के तहत 145 करोड़ का उसने ऑर्डर लिया है, जिसमें वो कुल 22 ट्रेनों के लिए, जिसमें हर ट्रेन में 16 कोचेस होते हैं, तो उसके लिए वो सीटिंग सिस्टम को डिजाइन करेगी। और इसमें खासियत बात ये है कि ये जो सीटिंग सिस्टम है वो 180 डिग्री तक घूमता है, और साथ में इस ट्रेन में आपको फ्लाइट्स जैसी सुविधा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वहीं बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, तो इसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि है सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन भारत की, और वहीं इसकी जो कुल स्पीड है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की है। अब दूसरा क्वेश्चन कि विच कंट्री लॉन्च अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कार्बन मॉनिटरिंग सैटेलाइट ऑन लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट। किस देश ने लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कार्बन मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये किया है ऑप्शन सी चाइना ने, ऑप्शन सी चाइना। ये जो है कार्बन मॉनिटरिंग सैटेलाइट जो है इसने लॉन्च किया था ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो आता है नॉर्थ चाइना के शैनशी प्रोविंस में। और ये जो है कार्बन मॉनिटरिंग सैटेलाइट है जो मॉनिटर सर्वे करेगा टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी और रिसोर्सेज को, और साथ में जितने भी मेजर नेशनल इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स है चाइना के उसे भी ये मॉनिटर और इवेल्युएट करेगा। वहीं बात करें चाइना की, तो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वहीं कैपिटल बीजिंग है और करेंसी है रेनमिनबी, रेनमिनबी। विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू डबल द फार्मर्स इनकम थ्रू पंचअमृत योजना? किस राज्य सरकार ने पंचअमृत योजना के माध्यम से किसान की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? तो वो है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ये जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शुरू किया है पंचअमृत योजना, ये बेसिकली गन्ना किसानों के लिए शुरू किया है। इसका जो मेन गोल है उनका जो इनकम है उसे डबल करने का, डबलिंग फार्मर्स इनकम। और इस स्कीम के तहत जो गन्ने का प्रोडक्शन कॉस्ट है उसे घटाया जाएगा, और वहीं उसका जो प्रोडक्टिविटी है और फर्टिलिटी है उस जमीन का जिसपे ये उगाया जाएगा उसको इंक्रीज किया जाएगा 5 टेक्निक द्वारा। और वो 5 टेक्निक क्या है? तो पहला है जो स्कीम के तहत लागू किया जाएगा वो है इंटीग्रेटेड ट्रेंच मेथड, दूसरा है रैटून मैनेजमेंट, तीसरा है ट्रैश मल्चिंग, चौथा है ड्रिप इरिगेशन और पांचवा है को क्रॉपिंग। तो ये 5 मेथड द्वारा गन्ने की जो खेती है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी लखनऊ है और कुल 75 डिस्ट्रिक्ट है, सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदी बेन पटेल। वहीं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 100 सीटें हैं, वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो 403 सीटें हैं यूपी में। वहीं राज्यसभा के लिए यहां से 31 सीटें अलॉटेड है, वहीं लोकसभा के लिए 80 सीटें अलॉटेड है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल जैवलिन डे टू ऑनर नीरज चोपड़ा? नीरज चोपड़ा को सम्मानित करने के लिए किस दिन को राष्ट्रीय भाला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है ऑप्शन डी 7 अगस्त, ऑप्शन डी 7 अगस्त। और ये जो है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी EFI इसे सेलिब्रेट करता है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो पिछले साल हुई थी जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गेम्स में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, जो भारत के लिए एक गौरवान्वित पल था। प्रणव बिकेम इंडियाज डैश ग्रैंड मास्टर, प्रणव भारत के डैश ग्रैंड मास्टर बने, तो वो बने ऑप्शन सी
75वें ग्रैंड मास्टर, ऑप्शन सी 75th ग्रैंड मास्टर। ये जो है 15 वर्षीय चेन्नई के रहने वाले हैं वी प्रणव, जो रोमानिया में चल रहे लिम्पेडिया ओपन जीत कर बने भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर, और इसके साथ प्रणव जो बने 27वें ग्रैंड मास्टर बने तमिलनाडु से। गुस्तावो पेट्रो वॉज स्वॉन इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो उन्होंने ऑप्शन सी कोलंबिया के प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने शपथ लिया, ऑप्शन सी कोलंबिया इसका सही आंसर है। गुस्तावो फ्रांसिस्को पेट्रो ये जो है कोलंबिया के 34वें और पहले लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट है। वहीं बात करें कोलंबिया की तो कोलंबिया की कैपिटल या राजधानी है बोगोटा, वहीं करेंसी है कोलंबियन पेसो, कोलंबियन पेसो। विच स्टेट लॉन्च द चिराग स्कीम, किस राज्य ने चिराग योजना शुरू की? तो वो राज्य है ऑप्शन डी हरियाणा, ऑप्शन डी हरियाणा। और इस स्कीम को लॉन्च किया था मनोहर लाल खट्टर जी ने। वहीं आपसे एग्जाम में पूछ सकता है चिराग का फुल फॉर्म क्या है, तो इस स्कीम का फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट स्कीम, यानी चिराग। और वहीं इस स्कीम के तहत जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जिनके माँ बाप के एनुअल इनकम है वो 1.8 लाख से कम है तो वो प्राइवेट स्कूल में एनरोल कर सकते हैं क्लास 2 से लेकर 12 तक। और वहीं जो राज्य सरकार है वो एनरोल किए गए बच्चों को जो फीस है प्राइवेट स्कूल की फीस है उसे वो वापस लौटा देगी। जैसे कि अगर बच्चा क्लास 2 से 5 तक पढ़ रहा है तो उसे 700 रुपया वापस दिया जाएगा, वहीं अगर बच्चा क्लास 6 से लेकर 8 तक पढ़ रहा है तो उसे 900 रुपया वापस दिया जाएगा, वहीं अगर वो 9 से लेकर 12 तक बच्चा पढ़ रहा है तो उसे 1100 रुपया उसे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन द हाई जंप एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ऊंची कूद में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो वो है ऑप्शन बी तेजस्विन शंकर ने, ऑप्शन बी तेजस्विन शंकर। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने भारत के लिए पहला मेडल जीता है एथलेटिक्स में इन कॉमनवेल्थ गेम्स, और इन्होंने जो जीता है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस हाई जंप में, और इन्होंने जो हाई जंप के लिए छलांग या लैंडिंग किया था वो 2.22 मीटर का था। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट, भारत में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में बनाया जाएगा? तो वो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, ऑप्शन सी खंडवा डिस्ट्रिक्ट। ये जो है दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है जो कि बिल्ड किया जा रहा है ओमकारेश्वर डैम पे जो बना है नर्मदा नदी पे। वहीं इस सोलर पावर प्लांट की जो कुल लागत है वो 3000 करोड़ रुपए है, 3000 करोड़। और इस पावर प्लांट से करीब करीब 600 मेगावाट पावर जनरेट किया जाएगा 2022-23 तक। द न्यूली डेजिग्नेटेड रामसर साइट कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, नव नामित रामसर स्थल कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो है ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी तमिलनाडु। ये बर्ड सेंचुरी आपको तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा जो कि दक्षिण भारत का लार्जेस्ट रिजर्व है फॉर ब्रीडिंग रेसिडेंट और माइग्रेटरी वाटर बर्ड का। और वहीं भारत ने फिलहाल 10 नए वेटलैंड डेजिग्नेट किए हैं एज रामसर साइट, जिससे कि भारत की जो कुल रामसर साइट की संख्या है वो 64 हो गई है, 64। तो आइए देखते हैं कि वो 10 कौन से वेटलैंड है जिसे रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया है, और जो 10 है उसमें तो 6 हैं वो तमिलनाडु से ही है, जिसमें पहला तो अभी हमने पढ़ा था कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी, दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, वहीं तीसरा है तमिलनाडु से वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चौथा है वेलोड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु से, पांचवा है वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु से,
वहीं छठा है उदयमर्थनपुरम बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु से है। वहीं मध्य प्रदेश से है सिरपुर वेटलैंड, वहीं उड़ीसा से सतकोसिया गॉर्ज, गोवा से नंदा लेक, और वहीं फाइनली कर्नाटक से रंगना थीटू बर्ड सेंचुरी।